आजा। पहले मेरी पोती को छोड़ो। छोड़ दूं क्या? पहलवान विक्रम नायक जिनके नाम सुनते ही लोग अपना सर झुका लेते थे, आज उन्हें लोग दया की नजर से देखते हैं। देख मेरे भाई की हालत, भाई की हालत, भाई की हालत। जिस हाथ से मेरे भाई ने अपने तीनों बेटों के चिता को आग दी थी, आज उसी हाथ से तेरी पोती को तेरी आंखों के सामने मार डालेंगे और तू बस देखता रह जाएगा। यहाँ तुम सबको एक साथ देखने के बाद तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है, क्यों ना तुम सबको एक साथ मौत के घाट उतार दो। मार डालो। अगर तू इनकी बैंड बजाएगा तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? मेरे घर ने 5 बार मातम मनाया है, 2 बार इस पर हमला कर चुका हूँ। बिहार से मैंने 100-100 गुंडों को बुलाया था, इनका खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। खैर छोड़, आज ये पल्लव सिंह और वीर नायक मिलकर ठाकुर परिवार की बलि चढ़ाएंगे। आज बहेंगी खून की नदियाँ। ए भल्लाल, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा तूने सोचा नहीं था ना? अबे देख क्या रहे हो, ऊपर से 6 इंच कम करो। लो लवर आ गया। मेरे घर में घुसकर तूने हीरोपंती की, उसके बावजूद तुझे छोड़ क्यों दिया पता है? क्योंकि मुझे लगा तू भी ठाकुर की मौत चाहता है, लेकिन तूने तो साला दल ही बदल लिया। उस दिन तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मार डालो साले को। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, हमला कब और कहां करना है ये भी जरूरी होता है। ए, उसकी वजह से हमारे घर में 3 मौत हुई है और उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। ओ भाई लोग, जब तुम्हारे जैसे 100 मरते हैं तब एक भल्लाल पैदा होता है। अरे जीतना तो परंपरा है ठाकुर परिवार की, अब तक जो हुआ वो सिर्फ कुश्ती थी, अब शुरुआत होगी युद्ध की। निकलो बाहर। झटका लगा ना, लगना भी चाहिए। यहाँ भल्लाल का राज चलता है, भल्लाल का राज चलता है। जिस समय तूने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था उसी समय ये किला मेरा हो गया था। मार डालो। ओए, वो उन्हें भी बचा रहा है और हमें भी बचा रहा है यार। हमें उससे मारने से रोका और अब खुद ही मार रहा है। रामायण महाभारत में तो बहुत पात्र देखे, लेकिन इस जैसे कैरेक्टर को तो पक्का लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सही कहा भाई। मैंने एक बार भाई क्या बोल दिया, तू तो मेरे घर ही पड़ गया। वहाँ देख, भाई का भाई बड़ा भाई आतंक मचा रहा है। भरपाई करेगा, करेगा। जलम 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 जलम
भरपाई करेगा। भरपाई करेगा।